आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। ग्राम नवापारा घुटकू में पानी बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर सारांश मित्तर से गुहार लगाई। दरअसल समस्त ग्रामवासी ग्राम नवापारा घुटकू बिलासपुर के हैं, जो कि ग्राम नवापारा घुटकू में पिछले एक माह में 3 बार ट्रांसफार्मर जल गया। 63 KV के विद्युत ट्रांसफार्मर होने के कारण बार बार ओवरलोड हो जाने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। इसकी शिकायत हमारे द्वारा विद्युत मंडल के JE और AE ऑफिस में की जा चुकी है, जिसका समाधान आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण ग्राम में पीने का पानी की दिक्कत हो गई। ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को निवेदन किया कि हमारे ग्राम में कम से कम 100 KV के ट्रांसफार्मर लगाने की कृपा करें, ताकि समस्त ग्रामवासी इस भीषण गर्मी में पानी को तरसने के लिए बच सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। पानी सबका समस्या, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, एक हफ्ता हो गया और पानी के लिए बहुत किल्लत हो रहा है। हम लोग दूर दूर से पानी ला रहे हैं और क्या बोलते हैं, लाइट भी नहीं है, बच्चे लोग एकदम परेशान हो रहे हैं, सोने के लिए पूरा दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग रात में सो ही नहीं पाते, अलग से मच्छर भी काटता है, लाइन नहीं है, कैसे करें हम। कोई मतलब अभी हम लोग गए थे सकरी, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। गनियारी गए थे, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है, तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए। अपना नाम बताओगे? मेरा सुप्रीता भाई टंडन। पानी की समस्या से आए, हमारे यहाँ पानी का बहुत समस्या है। 1 किलोमीटर से दूर पानी लेके आते हैं। गांव का ट्रांसफार्मर एक हफ्ता हो गया उड़ गया है और जा रहे हैं बिजली ऑफिस गए थे अभी सकरी का, वहाँ बोले हैं 2-3 दिन लगेगा, वहाँ भी नहीं हुआ हमारा काम। तो हम कलेक्टर आए हैं, हमारा काम करवा दीजिए कलेक्टर साहब जी। यही नाम बताओ अपना। मेरा सुनीता लास्ट। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।